एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अभी जो आपने वीडियो देखी ये है 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के कैंपेन करते हुए कर्नाटका की। सभी को पता है कि इलेक्शंस के टाइम पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर एलिगेशन लगाती है। इन्होंने भी वही किया, लेकिन गलती ये होती है कि ओपोजिशन पार्टी पर एलिगेशन लगाते लगाते इन्होंने एक पूरे मोदी कम्युनिटी पर ही एलिगेशन लगा दिया कि सभी चोरों के पीछे मोदी सरनेम ही क्यों है। इस स्टेटमेंट के कारण गुजरात में एक बीजेपी एमएलए ने इनके अगेंस्ट में केस को फाइल किया, कंप्लेंट फाइल की अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द आईपीसी, जिसमें क्लेम किया गया कि इन्होंने सभी लोग जिनके नाम के पीछे मोदी सरनेम लगा हुआ है उन सभी को डिफेम किया है। अभी इस केस में इनको कन्विक्ट भी हेल्ड ऑन किया गया, जिसका डिसीजन सभी को पता है, जहां पर इन्हें 2 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट प्लस इन पर 15,000 का फाइन इम्पोज किया गया है। इस केस में कन्विक्ट होने के कारण इन्हें पार्लियामेंट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एक केस के कारण कि एमपी को कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, कि सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में डील करेंगे। एक एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नंबर ऑफ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं एज एमपी अंडर आर्टिकल 105, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिकेशंस, इवन अरेस्ट के रिगार्डिंग भी इनको इम्यूनिटी प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती है। तो राहुल गांधी को इस केस में कैसे कन्विक्ट हेल्ड ऑन किया गया और इन्हें क्या अरेस्ट भी किया जा सकता है? आर्टिकल 105 में जो अरेस्ट के रिगार्डिंग प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो सिर्फ सिविल केसेस में एप्लीकेबल है। कि सिविल केसेस में अगर पार्लियामेंट सेशन में होगा तब भी किसी एक एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इवन सेशन की सिटिंग होने से 40 डेज पहले और सेशन के एंड होने के बाद भी 40 डेज बाद भी इस टाइम पीरियड पे एक एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पर ये प्रिविलेजेस एक क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर पार्लियामेंट सेशन में है भी तब भी एक एमपी को अरेस्ट किया जा सकता है। तो राहुल गांधी अभी सिर्फ बेल पर है क्योंकि उन्हें 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया, उनकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड किया गया फॉर द 1 मंथ ताकि ये हायर कोर्ट में अपील को लिख के जा सके। अदरवाइज अगर इनके बेल कैंसिल होती है तो ये अरेस्ट किए जा सकते हैं। एक एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे पास 2 प्रोविजंस है, आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। एक एमपी और एमएलए अगर किसी भी केस पे कन्विक्ट होते हैं अंडर एनी लॉ और उस कन्विक्शन में जो सेंटेंस दी गई है अगर उसमें सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया तो कन्विक्शन के डेट से लेके इन्हें 6 ईयर्स तक के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। और अगर इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया है तो कन्विक्शन के डेट से इनका डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट होगा और इनके रिलीज होने के बाद भी 6 ईयर्स तक ये डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब राहुल गांधी को जो 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिली है प्लस 15,000 का फाइन मिला है, तो इन्हें जो डिस्क्वालिफिकेशन अभी किया गया है ये इनके रिलीज होने के बाद भी आगे के 6 ईयर्स तक के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स इन पर इफेक्ट क्या पड़ा कि 2024 के साथ साथ 2029 के 2-3 के इलेक्शंस को भी कंडक्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 8 में एक सबसेक्शन 4 प्रोवाइड था जो कि एमपी और एमएलए को कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता था कि एक एमपी और एमएलए अगर किसी भी केस पे कन्विक्ट हुआ है तो ये डायरेक्टली इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे फ्रॉम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर्स। इनका डिस्क्वालिफिकेशन 3 मंथ्स तक तो इफेक्ट में नहीं आएगा। 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसेक्शन 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया और ये रूल हेल्ड ऑन किया गया कि एक एमपी और एमएलए अगर किसी भी केस में कन्विक्ट होते हैं, क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होते हैं और इन्हें मिनिमम 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट अगर मिली है तो ये अपनी मेंबरशिप को इमिडिएटली खो देंगे, मतलब ये इमिडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे फ्रॉम पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करते हैं इन 2013 में, जिसमें सबसेक्शन 4 को ही एक रिवाइव करने का ट्राई था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन एक एमपी और एमएलए को किया जाएगा वो इमिडिएटली नहीं, उनको कुछ टाइम पीरियड प्रोवाइड करना चाहिए।
लेकिन उस ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने पर राहुल गांधी ने ही उस ऑडियंस को सबके सामने, मीडिया के सामने फाड़ा था। और क्या उन्होंने कहा था, ये आप खुद सुन लो। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. तब उन्हें खुद नहीं पता था कि उसी लो में ये फंस जाएंगे। ये ऑडियंस जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे, ये उन्हें बचा सकता था, लेकिन उन्होंने खुद ने उस ऑडियंस को रिफ्यूज किया बिफोर द मीडिया। इसके अकॉर्डिंग एक एमपी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इमिडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ऑन दी विच ग्राउंड्स। सबसे पहले उन्होंने अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा हो, मतलब एक पोस्ट के अलावा भी दूसरे पोस्ट को उन्होंने होल्ड कर रखा हो। सेकेंड, अनसाउंड माइंड। थर्ड, इंसॉल्वेंट। फोर्थ, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। फिफ्थ, अगर उन्हें किसी भी लोगों के अंडर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जैसे कि एक एमपी और एमएलए के कन्विक्शन के बाद सेक्शन 8 में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उस एक्ट में डिस्क्वालीफाई होने के कारण उन पर 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एप्लीकेबल होगा, जहां पर उन्हें पार्लियामेंट से ही इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जाने से पहले लॉ स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहे, वीडियो के नीचे दिए गए पिंड कमेंट्स पर जाकर दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।